उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच सीएम योगी के मुंबई में फिल्मी सितारों से हो रही इन मुलाकातों के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है और सीएम योगी के काम की रफ्तार को देखकर उद्धव ठाकरे के पसीने छूट रहे हैं। योगी के मुंबई दौरे को जानने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। यूपी फिल्म सिटी को लेकर जारी सियासी जंग के बीच योगी आदित्यनाथ ने मुंबई पहुंचकर फिल्मी सितारों से मुलाकात की है। इस दौरान अक्षय कुमार से लेकर सिंगर कैलाश खेर तक कई हस्तियां सीएम योगी से मिलने पहुंची। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए योगी की इस तेजी को देखकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। यूपी फिल्म सिटी के लिए ये धरपकड़ देखकर सीएम उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। योगी के दौरे से पहले उनके बयान में भी बेचैनी साफ झलकी। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए कहा कि कोई यहाँ से जबरन बिजनेस लेकर नहीं जा सकता है। इसी बीच मुंबई पहुंचने के बाद देर शाम उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात। यही नहीं, इस दौरान जाने माने सिंगर कैलाश खेर भी सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंचे। ट्राइडेंट होटल में ही इन फिल्मी सितारों की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई। मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार से मुलाकात के दौरान कहा, राज्य में फिल्म की शूटिंग होने से स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग करने वाले निर्माताओं को हर संभव सहयोग और सुविधा प्रदान की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी कला का सदुपयोग करते हुए टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के माध्यम से समाज को एक प्रेरक संदेश दिया। मुलाकात के दौरान अक्षय कुमार ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्य में फिल्म सिटी की स्थापना के फैसले पर खुशी जताई है। अक्षय ने ये भी बताया कि पहले भी उनकी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जा चुकी है। कैलाश खेर ने भी ट्वीट करके अपनी मुलाकात के बारे में लिखा, प्यारा साक्षात्कार महाराज जी के साथ मुंबई में। पुनः चर्चा हुई कैसे संगीत तथा कला साहित्य कुछ नयापन लाकर हमारी संतति को प्रेरित कर सकती है। भारत अध्यात्म का गढ़ है, बड़ी संपदा, इस पर केंद्रित हो नए फिल्म जगत की परिकल्पना। वहीं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने ट्वीट करके गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक चव्हाण ने कहा, जब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब कई उद्योग और कार्यालय गुजरात स्थानांतरित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदल दी गई, लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर अब बॉलीवुड का एक टुकड़ा ले जाने की पटकथा तैयार कर रही है। बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ हुआ हम फिर वो नहीं होने देंगे। दूसरी ओर नोएडा में फिल्म सिटी की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अथॉरिटी ने फिल्म सिटी की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी से आवेदन मांगे हैं। यमुना अथॉरिटी एरिया के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। सीएम के ऐलान के बाद से ही यमुना अथॉरिटी फिल्म सिटी विकसित करने के काम में जुट गई है, जिससे उद्धव सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। सीएम योगी के मुंबई दौरे से शिवसेना की हालत खराब हो चुकी है। उद्धव सरकार को योगी का किया गया ऐलान झूठा और हवा में लग रहा था, पर योगी के मुंबई दौरे ने उद्धव ठाकरे को ये साफ संदेश दे दिया कि उनका किया गया ऐलान आगे की तैयारियों में जुटा हुआ है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।